सो इस लोनली से देश के अंदर नॉट सो लोनली पर्सन के ब्लॉग के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जिम एज यूजुअल, जो इंडिया के अंदर होता था सेम यहाँ करना है फॉलो। और मेरे को भी रियलाइज हुआ कि मेरी वॉच रह गई है, पर मैं वापस नहीं जाऊँगा, ऐसे चलते हैं आज, कोई बात नहीं। पे फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 18 डिग्रीज, और ऐसे शर्ट के अंदर, टी शर्ट के अंदर 18 डिग्रीज, यहाँ टेम्परेचर डबल डिजिट के अंदर आज एक बार, वो तो नज़ारा ही आ रहा था गाइस, नज़ारा पूरा फुल एकदम, इंडिया वाला हिसाब नहीं है। 18 डिग्रीज के अंदर ही प्रॉपर, मतलब थोड़ी गर्मी गर्मी सी लग रही है इस टाइम पर। तो इस मौसम के अंदर जिम करने का अलग ही मज़ा है, और ऊपर से आज है लेग डे, तो सोचो क्या मज़ा आएगा आज। प्री वर्कआउट पैक्ड है, वे प्रोटीन भी है, तो लेट्स गो। इफ़ यू नो यू नो इट। प्री वर्कआउट भी लिया, अब करते हैं काम शुरू लेग डे का। मतलब मैंने 5 से 6 एक्सरसाइज मारूंगा मैं लेग्स की, सो देन इट विल बी ऑल डन। लेग प्रेस 2 वेरिएशंस डन, वाइड ग्रिप और साथ में नॉर्मल ग्रिप। तो अब हमारा नेक्स्ट है एक्सटेंशन और कर्ल्स, ये 2। उसके बाद कैप्स और एक हैमस्ट्रिंग की मार लेंगे एक और, क्योंकि हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा मेरा वीक मसल है, और जो मेजर ग्रोथ होती है लेग की तो वो हैमस्ट्रिंग से काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये एक्सरसाइज करनी है आज फिर डन। बाकी जितना मेरे को 3-4 दिन के अंदर एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस देखो यही कहता है कि स्टिक टू द बेसिक्स, वही जो बेसिक मशीन्स इंडिया के अंदर हैं वही सेम यहाँ पर हैं। यहाँ पर 3-4 तरह की और फैंसी मशीन हैं, उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स, जो हम इंडिया में करते थे एक्सरसाइजेस उसी मशीन से वही सारी करो, मैं भी सेम वही कर रहा हूँ। ना मैंने यहाँ पर कोई फैंसी मशीन ट्राई करी हैं, ना ही मैंने करनी है, कभी आगे जाके हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो स्टिक टू द बेसिक्स, वही लेग प्रेस, वही स्क्वाट्स, एक्सटेंशंस, कर्ल्स और कैप्स, तो बस यही सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक मशीन्स पे स्टिक करना है, उसी को अच्छे से वेरिएशन से करो, ग्रोथ अपने आप होगी, नो नीड टू गो ऑन द फैंसी मशीन्स, ये मेरी एडवाइस है। सो गाइस, ट्राइसेप डन, लेग्स डन, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन पर मज़ा आ गया भाई। जिम इतना मतलब बढ़िया है ना, ये ना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है भाई, बल्कि ओपन है और मस्त वेंटिलेशन है, साथ में कम भीड़ है ना, मतलब क्राउडेड अगर जिम होता है, और ऊपर से तो पैर है देख लो, तो रश तो मतलब था ही नहीं, ना के बराबर 4-5 ही लोग थे। तो ऐसे जिम में मतलब वर्कआउट करने में मज़ा आता है भाई। बस वर्कआउट डन है, अब मैंने सप्लीमेंट लेने जाना है, किसी दुकान से लूँगा सप्लीमेंट, तो उसके बाद हम चलेंगे घर और अपनी दिन की डाइट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई गिफ्ट ही कर दो यार, कोई तो गिफ्ट कर दो, यही वाइट वाली गिफ्ट कर दो मेरे को। गाइस, डायमेटाइज का प्रोटीन लिया है, C4 प्री वर्कआउट लिया है, और $100 गाइस लग चुके हैं मेरे, $100, कितना अजीब लगता है ना यहाँ बोलते हुए ऐसे, $100 भाई, सच तो मेरे पैरों से ना ज़मीन खिसकी वहाँ पर। मैंने मतलब एक्सपेक्ट तो चल $100 तो चल ठीक है, पर ये यहाँ पर आके इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो पर जैसे डायमेटाइज लिया है, इट्स एक्सपेंसिव, C4 लिया है, इट्स द लाइक द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्री वर्कआउट, तो इवेंट अच्छी नहीं है, पर पैसे थोड़े से ज़्यादा लग गए, कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। यार मैंने एक चीज़ सोच रहा था, अब अगर इतना खर्चा हो ही गया है तो हम एक सब्वे भी ले ही लेते हैं, है ना भाई, घर जाके कौन खाना बनाए, तो हम एक सब्वे ले रहे हैं चिकन वाला। शाम हो गई है और हुडियाँ निकल चुकी हैं, क्योंकि इस टाइम आया हूँ मैं वॉक करने, वॉक प्लस रनिंग, जो अपना सुखना लेक पर काम था वो हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ का एरिया मतलब काफ़ी बढ़िया है ना, जैसे कि ये एरिया कुछ ज़्यादा ही बढ़िया, मतलब यहाँ वॉक करने में मज़ा आ जाता है। तो धूप गई है, क्लाउडी वेदर है, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, इवनिंग कार्डियो डन, रात को एक स्कूप प्रोटीन का लेंगे और सो जाएंगे, सिंपल, प्रोटीन इंटेक डन, कार्ब्स डन, थोड़ा सा फैट कम रह गए वो कल खा लेंगे, क्योंकि आज मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का और कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द रन एंड बर्न सम कैलोरीज। सोच रहा हूँ कि मैं इस सॉकर फील्ड के 2-3 चक्कर तो लगा ही लूँ, टेस्ट करते हैं अपना स्टेमिना, तो इतने टाइम से छूट चुकी है ना चीज़ें, टेस्ट करते हैं मतलब कितना मैं भाग सकता हूँ।
लेट्स ट्राई इट। तो गाइस दो चक्कर लगा लिए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो राउंड होगा 1 किलोमीटर के आसपास बस, पर आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कार्डियो कर रहा हूँ मैं। ये क्या है? ओह बॉम्बिंग एरिया गाइस, बॉम्बिंग एरिया, नेचर्स कॉल एरिया। सो गाइस इसी के साथ आज का डे ख़त्म होता है यहीं। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।